शायरी से ज़्यादा, और इसकी अपनी एक तारीख है। पहले इस अफसाना निगारी को कहानी कहा जाता था, और से दराज बरसों आपको सुनकर ताजुब होगा कि कहानी गज़लगोई से भी पुराना, इसका हिस्ट्री इसकी गज़लगोई से भी पुरानी है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कई अफसाने कई उन्मानात से आपके सामने आते रहते हैं, और सबसे पहले कई कहानियाँ भी आपने सुना होगा, अजीब बाबा चाली चोर वाला, इस तरह के फर्जी कहानियाँ भी, और फिक्शन के ऊपर बहुत काम हुआ है। हालिया दौर में हमारे पास बहुत कम अफसाना निगारों की लिस्ट है, फहरिस्त है, और उनमें बहुत से अफसाना निगार इस वक्त रूपोश हो चुके हैं। डॉक्टर अब्बास बेहसास जो हमारे बेहतरीन अफसाना निगार थे, आज हमें नहीं रहे, ऐसे कई अफसाना निगार हमसे बिछड़ चुके हैं। अब इस वक्त जो अफसाना निगार हैं उनमें बहुत ही कम ख्वातीन हैं, और ख्वातीन ही ज़्यादा हैं बिल्कुल, और मर्द हज़रात अफसाना निगारी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से फिक्शन का मैदान खाली नज़र आता है। अफसाना निगारी जो होती है वो इस तरह से होती है कि जब कोई अफसाना सुनता है खाली, तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं इस अफसाने का एक हिस्सा हूँ, या इसका हिस्सा रह चुका हूँ, या फिर ऐसा मेरे अतराफ होना में ऐसा हादसा वाक़ा गुजर चुका है जो अफसाना निगार सुना रहा है। ये एक कामयाब अफसाना निगार की पहचान होती है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा आपके सामने एक अफसाना पेश करने की, वक्त रहते और अगर आपकी फरमाइश रहे तो एक और अफसाना भी पेश करूँगा। मेरे अफसाने का अनुमान है सलीम भाई जी, थोड़ा सा अफसाने के ऊपर तवज्जो दीजिएगा अगर आप फुर्सत में हैं तो। तो मेरे अफसाने का अनुमान है बावफा औरत, फेथफुल वूमेन। मेरी खासियत ये है कि मैं अफसाना बगैर पेपर के बगैर देखे के सुनाता हूँ, और मैं शायद पहला अफसाना निगार हूँ जो बगैर स्क्रिप्ट के अफसाने सुनाता हूँ। मैं अमेरिका में भी गया था हाल ही में वैसे, तो वहाँ पर भी बगैर स्क्रिप्ट के अफसाने सुनाए, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी सराहा गया। तो अल्लाह ताला ने मुझ में ये सलाहियत दी है कि आगाज से अंजाम तक किरदारों को, स्क्रिप्ट को, कहानी के उतार चढ़ाव को पूरा जहन नशीन कर लेता हूँ, और वो आपके सामने पेश करता हूँ। आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर मैं देखता हूँ कि कौन अफसाना सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, उसकी पूरी तवज्जो मैं, उसकी पूरी तवज्जो मेरे अफसाने के उतार चढ़ाव में मैं हासिल करना चाहता हूँ। नहीं नहीं वैसी बात नहीं, उसकी दिलचस्पी की थी, वरना एक अच्छा अफसाना मिस करेगा तो उस पर पैगाम जो लास्ट में मैं देता हूँ वो सब पैगाम से महरूम रहेगा। कोई भी अफसाना जब लिखा जाता है, अभी दो अफसाने आपने सुने उनमें एक पैगाम था, तो कि हमसे बेहतर कोई नहीं। जब मोहतरमा ने कहा कि मैंने अपने आप को जो आईने में देखा, तो मैं अपने आप को जो है ना सबसे बेहतर समझने के मुझे मौका मिला, आज तक अपने आप को नहीं समझी थी, ये उनका अफसाने का अनुमान था और उसका क्लाइमेक्स भी वही था। तो होता ये है कि अफसाना निगार पढ़ते रहता है, सामने इधर उधर बातों में रहते हैं, तो अफसाने का मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें अफसाने के आगाज़ से अंजाम तक। मैं कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं रखता हूँ अफसाने में, दो तीन कैरेक्टर्स रखता हूँ जो आपको जहन नशीन हो जाएंगे। तो मेरे अफसाने का अनुमान है बावफा औरत। तो अफसाना शुरू होता है चांदपुर के पटेल साहब से। चांदपुर एक गांव का नाम है जहाँ पर पटेल साहब जो है ना बहुत ही मशहूर शख्सियत के मालिक हैं, और पटेल का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर का होता है, पटेल पटवारी। एक ज़माने में पटेल पटवारी और माली पटेल, पुलिस पटेल, पटवारी और गिरदावर, इस तरह के ऑफिसर्स हुए करते थे। तो जो पटेल होते हैं, पुलिस पटेल और माली पटेल का काम ये होता है कि पुलिस पटेल वहाँ पे
गांव में अपने रस्म ख्याल करता है, उसका जिम्मेदार रहता है, और माली पटेल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रहता है, और पटवारी तमाम गांव के नक्शे के सारे नंबर्स को महफूज रखता है। जब कभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर या डिप्टी तहसीलदार या तहसीलदार आते हैं तो उनके सामने गांव का पूरा नक्शा रहता है। तो चांदपुर के जो पटेल साहब थे उनका नाम था चांदमिया इतफाक से। तो चांदमिया के पास एक बेहतरीन खूबसूरत सी एक लड़की पैदा हुई जिसका उन्होंने चांद सुल्ताना नाम रखा। तो चांद सुल्ताना वाकई इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पैदा हुई तो सारे गांव में उसकी बहुत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई हुई। इस तरह से अतराफ के गांव में चर्चा बहुत होने लगे। तो दूर दूर से लोग आके ऐसी कैसी बच्ची पैदा कर देखी है बोल के लोग आके देखने लगे। तो बच्ची वाकई बहुत खूबसूरत थी और चांद पटेल जो थे वो जैसा जैसा बच्ची बड़ी होती गई, जैसा जैसा अपने जवानी की तहरीज पे पहुंची, तो उसको कई पैगाम आने लगे अतराफ के गांव से, खुद गांव के पैगाम आने लगे कि ये बच्ची को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। कुछ मंचले नौजवान थे जो उसके छोटे रहने में स्कूल जाते आते वक्त उसको देखते थे, तो वो लोग चाहते थे कि वो उसकी दुल्हन बन जाए। उसके उसके चर्चे बड़े होने लगे अतराफ के गाँव में। अब इधर चांद पटेल की हालात वो साबिर नहीं थे कि अपनी लड़की की शादी कर सकें, क्योंकि उनका माली मौका बहुत ख़राब हो गया था। गांव में कैद और कैद साली की वजह से खेत सूख गए थे, कहीं से कोई आमदनी का जरिया नहीं था, और ये रिश्वत और हराम की कमाई से किनारा पेशी करते थे, इसलिए घरों में इनके बहुत मुश्किल तमाम खर्च चलता था। तो जहाँ कहीं भी शादी की बात होती तो जहेज की बात होती, तो चांद पटेल अपने बगले झाड़ते और लोगों से कहते नहीं कि अभी मेरा इरादा नहीं शादी करने का। और इधर गाँव वालों में शर्त रखी थी कि चांद सुल्ताना को हम अपने घर की बहू बनाएंगे, जो भी आता बात करता पसंद करता बच्ची को बोलते आप क्या दे सकते भाई, ऐसा कोई ये नहीं होता कि हम आपकी बच्ची को बगैर जहेज से करके लिए। हिर्स और लालच हर एक दिल में होता है, ये तो फिर कभी कभी किसी किसी को नाता दे देता है। तो एक दिन क्या होता है कि चांद पटेल के पुराने दोस्त जो गांव से निकलकर शहर में गए और शहर में जाकर वहीं पर कुछ कारोबार शुरू किया उन्होंने, वो इतफाक से गांव को आते हैं किसी काम से। तो वो पूछते हैं भाई तुम्हारी एक बच्ची पैदा हुई थी चांद सुल्ताना का है, तो बोलते हैं ना तो बुला उसको, मैंने देखा वो दिनों से मैं छोटी थी वक्त देखा बुलाते बुलाने के बाद बच्ची आती है सामने नाम सलाम वाम करती है, बोलते माशाल्लाह ये तो बहुत खूबसूरत है बच्ची तुम्हारी, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। तो ये मुँह झुका के बैठते हैं दोस्त के सामने, क्या खुशकिस्मत की बात करें भाई, ये बच्ची मेरे ऊपर एक बोझ है और बच्ची हसीन है जो, लेकिन मेरे पास इसकी शादी करने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोस्त सोच लिए तुमसे मैं खुल के बात कर रहा हूँ, इसकी शादी का इंतज़ाम अल्लाह ताला कुछ अजबा बनाए तो ही हो सकती है, वरना ये घर में ही बैठी रहेगी क्योंकि मेरे पास शादी करने के लिए कुछ भी नहीं। तो उनके दोस्त कहते हैं कि भाई देखो वो बच्ची को अंदर भेजते हैं, मम्मा तो अंदर चले बेटा, तो बोलते हैं दोस्त से बात करते हैं। तो दोस्त के घर बहुत छोटा होता है, कमरे के बाजू बैठ कर चांद पटेल की बीवी और ये बच्ची चांद सुल्ताना दोनों दोस्तों को सुनते रहते हैं दोनों दोस्तों की। तो दोस्त कहते हैं कि भाई देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है, तो फिर एक काम करो ये बच्ची मेरे हवाले कर दो, ये बच्ची को मेरी बहू बना दो, मेरा बच्चा जो है ना पुलिस से सूट है वो जो है ना उसका निकाह आपकी बच्ची से मैं करना चाहता हूँ, अगर आपको मंजूर है तो फिर बोलिए मैं बच्चे को भी बुला लेता हूँ, दो चार दिन में हम लोग जो हमारी शादी की बात करेंगे तय करेंगे बता सकते हैं। तो बच्ची जाके अंदर पूछती है और चांद पटेल अंदर जाके अपने बच्चे से पूछते हैं बीवी से पूछते हैं भाई ऐसा बोल रहे हैं हमारे दोस्त क्या करना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं बड़ी खुशी की बात है घर बैठे रिश्ता आ रहा है, फिर उनके कोई डिमांड्स नहीं है तो फिर इससे अच्छी क्या बात होती है। तो बच्चे से पूछते हैं फिर वालिद अपने बेटा ऐसा रिश्ता है क्या करना है, तो लड़की कहती है बाबा मुझे ऐसा नौजवान चाहिए जो इस्लाम पर चलता हो, दीनी तालीमात से आरास्ता हो और जो है ना
अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। रंग हंसा हुआ उसके दीगर जहरी चीज़ों से उसकी कमाई इनकम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो वाले दिल सुनते हैं भाई, लड़के के वाले सुनते हैं भाई, बोलते क्या ख्याल आता है बच्चे के, बहुत अच्छे भरा होता ही है कि इन दोनों की शादी हो जाती है। बहुत धूमधाम से तमाम अतराब के गाँव के लोगों को बुलाया जाता है, शादी बहुत धूम से होती है। अब चांद सुल्ताना अपने गांव से निकलकर अपनी शौहर के साथ इंस्पेक्टर साहब के साथ शहर चले जाती है। इस असना में चांद सुल्ताना के जो शौहर होते हैं इंस्पेक्टर साहब के, शुरू से शादी के कामों में भी साथ थे और इन तैयारियों में भी साथ थे, लेकिन उनकी नज़र जब चांद सुल्ताना में पड़ती है तो उनकी नीयत खराब हो जाती है। हालांकि उनके मेरे भाई होते हैं लेकिन उनकी नीयत खराब हो जाती है, वो दिल में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से चांद सुल्ताना को हासिल किया जाए चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी बदनीयती जाहिर तो नहीं होती क्योंकि वो बहुत मोहतात तरीके से दिल ही दिल में बात को रखकर मुझे आगे बढ़ते रहते हैं। इतने वक्त से पता ही है कि इंस्पेक्टर साहब को 15 दिन के डिपुटेशन के लिए कहीं दूसरी जगह बंदोबस्त के लिए भेजा जाता है। उस मौके का फायदा उठाकर ये मुजाहिद जो उनका कज़न होता है वो घर आता है, घर आकर चांद सुल्ताना से मुखातिब होता है, देखो भाई आपके शौहर 15 दिन से नहीं है और आपके कुछ काम वगैरह हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके कामों को पूरा करूँगा। तो ये रस्मी तौर पे उनको ठीक है उसके बाद में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप तशरीफ़ ले जाइए, और तो तशरीफ़ ले आने की वजह उसका हाथ पकड़ लेता है चांद सुल्ताना, वो गुस्से में आ जाती है और उसको दो चार थप्पड़ लगा देती है मुजाहिद को। ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, हम तुमने कहा था कि मुझे कोई काम है तो बताइए मैं आपके काम में मदद करूँगा और आप ये हरकत करें आपके भाई को पता चलेगा तो क्या होगा मालूम है। तो बोलते भाई वो सब अपनी जगह है लेकिन मेरा दिल तो ऊपर आ गया, मैं क्या क्या करूँ। बोलते ये गलत है आप फौरी घर से निकल जाइए। फिर वो बहुत कोशिश करता है लेकिन ये उनके हाथ में आते हो कहते कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं भी चाकर या तो चला लूँगी अपने आप ही अपने चाकू से अपने जाने लूँगी। तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। उसके बाद उसको ख्याल आता है कि कहीं ये तमाम बातें मेरे भाई को अगर कह दी इंस्पेक्टर साहब को तो बड़ी मुश्किल होगी। ये चांद सुल्ताना के पैर पर लगता है, माफ़ी मांगता है। तो चांद सुल्ताना कहती है देखो मैं उस वक्त ही माफ़ कर सकती हूँ जब मेरा शौहर तुमको माफ़ करे। अरे नहीं नहीं उनको ना मत बोलिए आपने तो फिर मेरी तो जान ले, तुम्हारी जान ले या तुमको बख्श ले ये मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन मियाँ भी है जो रिश्ता होता है वो जो है ना एक दूसरे पर भरोसे का रिश्ता होता है, एक दूसरे पर वफादारी का रिश्ता होता है, एक दूसरे से रास और न्यास का रिश्ता होता है। और इतना बड़ा रास मैं नहीं छुपा सकती अपने शौहर से, मैं एक पावरफुल औरत हूँ मैं ये रास नहीं छुपा सकती। उनके आने के बाद जो भी फैसला होगा होना होगा। इधर हो जाए कि नींद हो जाती है वो बेचैन रहता है। इतने बाद से इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं अपना दौरा ख़त्म करके, सुने हमारे हम सब अपना दौरा ख़त्म करके इंस्पेक्टर साहब वापस आते हैं। तो उनका अच्छा मूड देके उनको खिला के पिला के उसके बाद अच्छा मूड देके तमाम तफसीलात चांद सुल्ताना अपने शौहर के सामने रखती है। तो उनका जवाब ये होता है कि भाई देखो इंसान बशर है और तुम्हारा हुस्न ऐसा है कि कोई भी तुम्हें देखकर अपनी नीयत ख़राब कर सकता है। मुझे इस बात की तो 100% मैं इस बार ये बात कह सकता हूँ, लेकिन इंसान जो है ना अपने ज़मीर को और अपने आप को काबू में रखे तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, हो चुकी है अब क्या करना चाहिए, तुम उन्हें उसे माफ़ कर सकती हो क्या। बोले तो देखिए भाई मैं उस वक्त ही माफ़ कर सकती हूँ जब आप उसको माफ़ करें। अच्छी बात है चलो बोलते दोनों मिलकर रात में 11:30-12 बजे का टाइम रहता है, शौहर अपनी बीवी को लेकर शौहर इंस्पेक्टर साहब के मुजाहिद के घर जाते हैं, खटका मारते हैं। जैसे मुजाहिद दरवाज़ा खोलता है समझे कि उसकी ज़मीन के नीचे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और सर्विस रिवॉल्वर लगा रहता है इंस्पेक्टर साहब पर, उनका रिवॉल्वर वगैरह लगा रहता है और वो देख के घबरा जाता है। फिर फौरी पैर पकड़ लेता है अपने भाई के, भाई मुझे माफ़ कर दो ऐसा हो गया मेरी सब गलती हो गई। तो वो बोलती है कि भाई मुझसे माफ़ी मांगो मत, तो अपने भाव से माफ़ी मांगो। दोबारा दोनों मिलकर
माफ करते हैं, लेकिन मुजाहिद ये कहता है कि भाई ऐसी बावफा औरत अल्लाह करे के हर एक को नसीब होगा। यहीं पर हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बावफा औरत एक अफसाना जो आप जैसे पेश कर रहे थे डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक जो इधर इधर सदर के मान्य सदर, कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं अपना ताल्लुक कराना जरूरी समझता। अगर और कोई अफसाना सुनाना चाहता है तो मैं उसे दावा देता हूँ या फिर शेर व शायरी की महफिल शुरू करते हैं। 10:30 तक हमको ये हाल दस्तियाब है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम पूरा वक्त मुकबिल ना करें तो आइंदा साल हाल मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक शायर चार चार बदले सुनाए, छः छः बदले सुनाए, जितना सुनाए सुनाए। तो एक यहाँ पे सुनाने वाले जी जी अफसाना सुनाने वाले जी आइए। फरहत खान फरहत जाने माने शायर भी हैं और अदबी खिदमत गुजार भी हैं। मैं उनसे अपन गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी भेड़ी को पेश करें। इस दुनिया में कई जानदार मौजूद हैं। सरसरी तौर पे कहा जा सकता है कि हम अक्साम के पेड़ पौधे जानवर वगैरह हजारों लाखों जानवरों में से आज एक मुनफरिद जानवर को मौजूद तजिया बनाया है। भेड़िया आया इसे मार दो, भेड़िया आया इसे भगा दो। अक्सर हमने ये फिक्रों को बच्चों की कहानी की किताब में या कहानी सुनते हुए इस्तेमाल करते हैं। ये भेड़िया इन कहानियों में अपनी असली हालत में होता है, जो छोटे जानवरों का शिकार करता है वगैरह। ये भेड़िया चौपाया होता है और एक बदनाम जानवर होता है। दबे पांव और बड़ी खामोशी से अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। जैसे ही अपने शिकार को गफलत में पाता है वो उसे फौरन दबोच लेता है। शायद ही कभी अकेला खाता हुआ मिलेगा, वगरना भेड़िया जब शिकार करते हैं झुंड के दूसरे साथियों के साथ मिल बांट कर खाते हुए पाए जाते हैं। इस चार पाए भेड़िए की अहमखाना खूबी ये होती है कि अक्सर ये इंसानी आबादियों की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही किसी की नज़र इस पर पड़ती है तो इसे मार भगाया जाता है, अगर आ जाए तो जहाँ से हाथ धो बैठता है। अब दूसरा हिस्सा देखेगा कि भेड़ की खाल में भेड़िया। अक्सर हम इस फिक्रे को इस्तेमाल करते हैं। ये भेड़िए दो पाए होते हैं और ये बहुत पुरिसरार खतरनाक दरिंदे होते हैं। ये बातिनी शक्ल में होते हैं, जाहिरी तौर पर कई अस्काल में मौजूद हैं। चूंकि ये भेड़िए भेड़ की खाल में होते हैं इसलिए ये शिकार को दिखाई नहीं देते, पर शिकार इनकी नज़र और जद में होते हैं। ये शिकार भी करते हैं तो किस्तों में, और ना ही ये शिकार को चीर फाड़ कर खा जाते हैं बल्कि शिकार को अजियतें देकर ये सैर होते हैं। अजियतें देकर जब इनकी तबीयत बहाल हो जाती है तो ये अपने शिकार को तड़पता छोड़ देते हैं। वक्तन फवक्तन ये दो पाए भेड़िए अपने शिकार पर चोट करके और अजियत पहुंचाकर खुश होते हैं। इनकी रजाइयत दूसरों को तकलीफ देना ही है और ये भूख कभी मिटती नहीं। इनका खात्मा गैर कुदरती तौर पर नामुमकिन है क्योंकि ये बड़े चालाक होते हैं। जब जसद खाक में मिलता है तो ये भेड़िए मिलता है तो ये भेड़िए अपनी नींद सोते हैं। आप जरूर समझ गए होंगे इस आखिर का इशारा किस तरफ है। लिहाजा आखिर का मशवरा है कि इनको गौर से देखें और पहचान लें, वरना खाइन कभी भी इनका निशाना बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बातें पेश की भेड़ी के मानसर ने बहुत ही अच्छा एक मजमून हमारे सामने पेश किया।
अब अरविंद दास का